पहले भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, अब चीन को ठोकने के लिए तैयार हो रही है खूंखार फोर्स। चीन पर स्पेशल ऑपरेशन के लिए रेडी है गरुड़ कमांडोज। भारत के सबसे आधुनिक हथियारों के साथ एक्शन के लिए तैयार। पीएम मोदी ने पहली बार खुलेआम दिया स्पेशल ऑपरेशन का आदेश। दोस्तों, भारत अब चीन की ना तो घुसपैठ सहने वाला है और न ही उसकी दगाबाजी। हिंदी चीनी भाई भाई के बहाने चीन को आज तक भारत की सीमा में घुसने के प्रपंच रच रहा है, अब उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है। आप सवाल करेंगे, ये तो रोज ही बताया जाता है, लेकिन दोस्तों तवांग को लेकर मोदी सरकार और भारतीय सेना जो प्लानिंग कर रही है, यकीन मानिए आपका ये संदेह भी वास्तविकता में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई खबर जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो आपको भी हिला देगी। दोस्तों, चीन पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा तकनीक वाला, ज्यादा सैनिक और हथियार रखने वाला और सबसे ज्यादा तो धूर्त देश है। इसलिए भारत भी जानता है कि चीन को करारी शिकस्त देने के लिए भारतीय सेना के आगे उस फोर्स को तैनात करना होगा जो उसी तरह से खूंखार हो, जो SFF और माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की तरह ही घातक हो। इस कड़ी में जो पहला नाम आता है वो है इंडियन एयरफोर्स का राइट हैंड यानी गरुड़ फोर्स। भारतीय थल सेना के बाद अब भारतीय वायुसेना अपने सबसे घातक योद्धाओं की पूरी फोर्स को चीन की हड्डियां तोड़ने के लिए न केवल तैयार कर चुकी है, बल्कि ये भी तय हो चुका है कि इस फोर्स के साथ कौन कौन से हथियार होंगे, कौन सी रणनीति के साथ ये फोर्स उतरने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर रखिएगा, जो भी इस संबंध में आप कहना चाहते हैं। चीन के सामने उतरेंगे वायुसेना के गरुड़ कमांडोज। इनके सामने चीन का सामने आना भी होगा मूर्खता। दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए कि भारत की ये अमोघ ताकत किस काम आती है। दरअसल दोस्तों, गरुड़ फोर्स का सबसे पहला और बड़ा काम होता है एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा करना और साथ साथ आतंकवादियों को हर हाल में लाश में तब्दील करना, और इस मकसद में ये कमांडोज चूकते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आप खुद जानते हैं कि भारत पूर्वी साइड में आतंकवाद को तो खत्म कर चुका है और पश्चिम में अब चीन भारत में घुसने का प्रयास कर रहा है, इसलिए अब ये कमांडो देश की सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारियों में कुछ और ऐड करने वाले हैं। और चीन के साथ बढ़ते तनाव और बॉर्डर पर बदलते हालात में गरुड़ कमांडो आतंकवाद का खात्मा करने की अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी अब चीन के सामने एक नई आर्मी उतरेगी जिसका सामना उसने आज तक नहीं किया होगा। जी हाँ, मोदी सरकार ने इसके लिए नए आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना पहली बार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक गरुड़ स्पेशल फोर्स को स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैनात करने जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें भारत के बनाए सबसे आधुनिक हथियारों के साथ भी तैयार किया गया है। दोस्तों, इन्हें कहां और कैसे तैनात किया गया है, ये जानने से पहले इसकी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं जो चौंका देने वाली है। भारत के सबसे खूंखार कमांडोज में गरुड़ कमांडोज का नाम लिया जाता है। खतरनाक हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना के ये कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज के तर्ज पर ही होती है। गरुड़ कमांडोज को लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये बिना कुछ खाए पिए कई हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। इन्हें एयरबॉर्न ऑपरेशन, एयर फील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। खतरनाक हथियारों से लैस वायुसेना के खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। चीन के खिलाफ गरुड़ फोर्स का पहला सफल ऑपरेशन। वायुसेना ने गरुड़ स्पेशल फोर्स को नवीनतम AK-103 के साथ अमेरिकी सिग सॉयर असॉल्ट राइफल जैसे नवीनतम हथियारों से भी लैस किया है। मई 2020 में गतिरोध शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब विशेष अभियानों के लिए गरुड़ कमांडोज को चीनी सीमा पर उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किया गया है। अब पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और
अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किए गए गरुड़ कमांडोज किसी भी तरह जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चलाएंगे। दोस्तों, इससे पहले तक इन गरुड़ कमांडोज ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों और हवाई अड्डे की सुरक्षा में अपनी ताकत साबित की है। इसके बाद गरुड़ स्पेशल फोर्स को स्पेशल ऑपरेशन के लिए LAC पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक तैनात किया गया है। दोस्तों, अब सवाल है कि भारत के गरुड़ कमांडोज के पास जो हथियार हैं वो कितने घातक हैं? चीन के खिलाफ ये हथियार कितनी ताकत रखते हैं, चलिए ये भी जानते हैं। गरुड़ कमांडोज के पास सबसे उन्नत हथियार, चीन के पास भी नहीं है ऐसे घातक हथियार। वायुसेना ने उन्हें नवीनतम AK-103 के साथ अमेरिकी सिक्स फायर असॉल्ट राइफल जैसे नवीनतम हथियारों से भी लैस किया है, जिसका नवीनतम संस्करण AK-203 मेक इन इंडिया के तहत अमेठी के कोरबा कारखाने में निर्मित किया जाना है। सैनिकों के पास गैलिल स्नाइपर राइफल्स के साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी है, जो 800 से 1000 मीटर की दूरी से दुश्मन सैनिकों को मार के गिरा सकती है। सबसे खास चीज है AK-103 राइफल, चलिए इसकी ताकत जानते हैं। इस बंदूक की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस बंदूक से एक सेकंड में 6 गोली निकलती है। इतनी पावरफुल होती है कि दीवारों और कार के दरवाजे को भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है। इसे चलाने के लिए किसी तरह की खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। इसकी साफ सफाई करना और इसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है। दुनिया में सबसे हल्का राइफल का वर्जन, फुल लोड होने के बाद भी वजन 4 किलो से ज्यादा नहीं। एक अकेली ऐसी राइफल जो पानी, मिट्टी या रेत किसी भी वातावरण में काम कर सकती है। ये बंदूक मात्र 8 पुर्जों से मिलकर बनती है और इन्हें 1 मिनट में जोड़ा जा सकता है। दुनिया की इकलौती ऐसी राइफल है जिसे बच्चे भी आसानी से चला सकते हैं। रूस के अलावा बनाने और सप्लाई करने का लाइसेंस 3 अन्य देशों को भी मिला है, इनमें चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, नाइजीरिया आदि शामिल हैं। चीन में सबसे ज्यादा AK-47 बनती है, जिसका एडवांस वर्जन AK-103 राइफल है। खैर दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में घुसने के लिए आर्मी के पैरा कमांडोज ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए बड़ा मिशन किया था, उसी तरह से वायुसेना के पास गरुड़ कमांडोज की फोर्स है जो ऐसे ही मिशन के लिए तैयार की गई है। यानी अब भारत चीन को लेकर कुछ तो मिशन करने वाला है, क्योंकि गरुड़ फोर्स का इस तरह से चीनी सीमा पर तैनात होना यही इशारा करता है। खैर, इसमें आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।